परामू जिला महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मैत्री सम्मेलन का आयोजन जिला कार्यालय के मेदिनगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह एवं विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के बिट्टू पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी के साथ साथ मिशन 2024 को लेकर पलामू लोकसभा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जीत सुनिश्चित हो इसके लिए बेहतर कार्य करने का बल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि इस मैत्री सम्मेलन में उपस्थित सभी महिला बहनों को मिशन 2024 को लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। पूर्व और वर्तमान के पदाधिकारी के साथ साथ जो बहनें अभी पार्टी से जुड़ी हैं सभी को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ना है ताकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजयी हो। स्तर का हमारा जो 2023 का सितंबर महीना था हम लोगों ने प्रदेश से ही हुंकार भरा था कि हमारी जो वर्तमान की पदाधिकारी है महिला कांग्रेस की और जो पूर्व की पदाधिकारी किसी न किसी कारण से वो घर में बैठ गई है या जो हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहती है वैसी महिलाओं को लेकर हमने मैत्री महासम्मेलन प्रदेश रांची राजधानी में किया था और अब हमारा 14 लोकसभा जिले क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो 14 लोकसभा में हम लोग जा रहे हैं और आज ये पलामू लोकसभा से हमारी शुरुआत है। यहाँ पर भी मैत्री सम्मेलन हो रहा है। लोकसभा में कैसे हम लोग महिला कांग्रेस जाएंगे और जाकर बूथ स्तर तक मेरी बूथ मेरी जिम्मेदारी के तहत अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे इसको लेकर ये सम्मेलन किया जा रहा है क्योंकि देश आप देख रहे हैं कि एक हिटलर शाही और तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ईडी सीबीआई और पुलिस का डंडा दिखाकर अगर सत्य को झूठ कर दिया जाए और झूठ को सत्य कर दिया जाए तो इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। ये यहाँ से शंखनाद फूका जा रहा है यानी ये फर्स्ट अभी स्टार्ट हुआ 4 तारीख से। अब ये पूरे प्रदेश में हमारी जो गुंजन मैडम है प्रदेश अध्यक्ष मैडम ये पूरे जगह हुंकार भरेंगी और ये लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी की गई है। चूँकि हम लोग महिला हैं हम लोग महिला आधी आबादी है आज जितना भी झेलना पड़ रहा है चाहे महंगाई हो बेरोजगारी हो चाहे सुरक्षा कर लिया जाए किसी भी चीज़ में आज हम लोग महिला ही झेल रहे हैं इसी का हुंकार आज हम लोग भरने आए हैं और सभी महिलाएं हमारे देख लीजिए पूरी महिलाएं हमारे साथ हैं और कांग्रेस अब सोई हुई नहीं है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और महिला का सुरक्षा कांग्रेस पार्टी छोड़ के कहीं नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नारी शक्ति के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। जिला में कांग्रेस पार्टी की सभी विंग डिपार्टमेंट एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। पूरे झारखंड में लक्ष्य 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी के जितने भी यंग यूथ कांग्रेस हो महिला कांग्रेस हो एनसीवाई हो ओबीसी डिपार्टमेंट जितना है सभी एकजुटता के साथ पूरे प्रदेश में लक्ष्य 2024 को लेकर काम कर रही है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार पलामू लोकसभा से होंगे हम लोग पूरे दमखम के साथ एक विजन के साथ हम लोग जीतने का काम करेंगे और ऐसी सरकार जो केंद्र में बैठी है उसको जमीन दोज करने का काम करेंगे। आज जान सकते हैं आप लोग सभी लोग हर वर्ग इस सरकार में जो केंद्र में बैठा हुआ है उससे त्राही माम है। हर योजना जो लाते हैं फिर बैकफुट में आते हैं। अभी देख सकते हैं ड्राइवर को लेकर जो लाए बैकफुट पर आ गए। आप देख सकते हैं किसानों के लिए जो बिल लाए उसमें बैकफुट आए हर चीज़ में। तो अब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी लोग एकजुटता आज देखिए महिला कांग्रेस का एक सम्मेलन जो रखा गया है सुश्री गुंजन सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इसी तरह से काम चल रहा है। पूरे आधा आबादी पूरा हक का बात कांग्रेसी पार्टी महिलाओं के लिए करती है।